Once again, welcome back, my dear student of Standard 7th, and today we will continue with our chapter number 8, that is Medieval Architecture. And already we had covered its first part, where we had seen Somnath Temple, Dwarka Temple, and lots of things we have explored it. Now, with the continuation in this chapter, now we will explore some more things. At last, I remember I covered the Kankariya also, and now many more things on your way, so get ready and with a lot of excitement. And now we are going to explore the Mughal Delhi Sultanate and Mughals time. Okay, so as you can see, architecture of the Delhi Sultanate, this part we have stopped and we are going to start from here only. Advent of the Turk influenced every aspect of the Indian culture. In architecture, Turkish rule paved the way of the development of the Indo-Islamic style, which blend the Arabic, Persian, Iranian and Indian style. There was an existence use of the domes and arcs and minarets. The monument of the Sultanate age were decorated with the geometrical and floral design, besides some Indian motifs like lotus and the bell. So friends, Delhi Sultanate ke time pe Turki se jo Turks jinko hum log kahenge wo India mein aaye the, उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमको अपने कल्चर में देखने को मिलता है. एक इस्लाम और एक इंडिया का रिलीजन, दोनों रिलीजन मिलके इंडो इस्लामिक स्टाइल से अब चीज़ें बनेंगी. ठीक है, इवन पर्शियन लैंग्वेज का भी उसमें था बहुत हमको देखने को मिलेगा. डोम्स टाइप के हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए थे आफ्टर द दिल्ली सल्तनत टाइम. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, कुतुब मीनार. वेल, इट्स अ प्लेस जहाँ पे मैंने विजिट किया था in 2019 of course. And this Qutub Minar is a very good place. आपको यहाँ पर पहले बाहर जाके टिकट लेनी पड़ती है एंड देन आप लोग अंदर एंटर कर सकते हो. आई डोंट रिमेंबर बट टिकट आई थिंक मे बी 50 रुपीज़ के आसपास थी. ओके, सो आई थिंक इन लोगों को ऑनलाइन कर देना चाहिए. अगर ऑनलाइन है तो आप लोग गूगल सर्च कर लेना. सो कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार वॉज द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वॉज कमीशनड बाई द कुतुबुद्दीन ऐबक, the first sultan of the Delhi, and was completed by his successor Iltutmish, and was completed by his successor, sorry, again I am reading the same line, Iltutmish, a five-storied building, and the minar is made up of red sandstone and covered by the intricate carving and the verses of from the Quran. It is the tallest tower of its kind in India. Friends, Qutub Minar ko dimag mein fit kar lo. Reason, ये स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंटों को भी आता है. इन केस अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, डेट मीन्स आपको स्टैंडर्ड 10th में फिर से कुतुब मीनार आएगा. तो फर्स्ट थिंग, कुतुब मीनार इज इन न्यू दिल्ली एंड इट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली एंड एक्चुअली इट्स अ फाइव स्टोरेड बिल्डिंग. सो पाँच स्टोर यू कैन काउंट ओवर हियर. लेट मी हेल्प यू हाउ इट इज़ फाइव स्टोर. दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. सो इट्स अ फाइव स्टोरेड बिल्डिंग. ओके, एंड ऑफकोर्स इट वॉज स्टार्ट एंड बिल्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. बट जैसे ही फर्स्ट फ्लोर कम्प्लीट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है एंड इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो नेक्स्ट राजा बने थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करवाया. एंड इट इज़ मेड फ्रॉम द रेड सैंड स्टोन. ओके, लाल पत्थरों से बनाई गई है. एंड इसके अंदर कुरान, जैसे हमारे भगवत गीता में श्लोक होते हैं, वैसे कुरान के भी कुछ वर्सेज हैं जो इसके अंदर लिखवाए गए हैं. एंड ये अपने टाइम की सबसे ऊंची टॉलेस्ट बिल्डिंग रह चुकी है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड ढाई दिन का झोपड़ा. 8.8 यू कैन सी. एंड ढाई, इफ़ यू टॉक अबाउट इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, वन को हम लोग एक कहते हैं. जब हमारी वॉल में 1.5, 1.30 होता है तब हम लोग उसको डेढ़ बोलते हैं. ठीक है, 1:45 को हम 1.25 बोलेंगे. ठीक है, एंड एग्जैक्टली 2:00 को, 2 बजे, 2:15 को, 2:15 को हम लोग 1.25 कहेंगे एंड 2:30 को हम लोग कहेंगे ढाई. समझ में आया? सो ढाई दिन का झोपड़ा यानी 2.5 days. ओके, सो इट वॉज इस मॉस्का नाम. आप लोग सोचोगे कि ढाई दिन का झोपड़ा क्यों है, क्योंकि ये 2.5 days में कम्प्लीट किया गया था. एज इस्लामिक रिलीजन, इस्लाम रूलर जब इंडिया में उन्होंने अटैक किया था, तो उनको नमाज पढ़ने के लिए उनके पास कोई मॉस्क ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो मतलब कोई उस टाइम पे मुस्लिम थे नहीं. तो उन्होंने 2.5 days के अंदर में इसको रेडी किया था.
एंड तब से ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इट इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबद्दीन ऐबक इन दिल्ली। सो कुतुबद्दीन ऐबक जो फर्स्ट सुल्तान थे उन्होंने इसे सिर्फ 2.5 डेज में बनवा दिया था। ठीक है, नाउ आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी। अमोंग द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया चोलास इन पर्टिकुलर वेर द ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट नीचे साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी भी थी और इनका भी अपना एक पैटर्न था, ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति बहुत मतलब फोकस थे। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट तंजावर, महाबल्लीपुरम जिसको महामल्लापुरम बोलते हैं, एंड कांची। सो ये जो जगह है यहाँ पे इन्होंने बहुत ही टेम्पल्स बनवाए थे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेम्पल्स बनते हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बनते हैं, द्रविड। ओके, दे प्रमोटेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड मल्टी स्टोरेड पिरामिड लाइक टावर कॉल द विमाना। ओके, एंड द लॉफ्टी गोपुरम्स। गोपुरम्स क्या होता है, देखो आप मंदिर में जब जाते हो तो आपको एक एंट्री गेट मिलता है, दो पिलर पे एक साइड और ऊपर से एक पिरामिड टाइप का होता है, तो उसको हम लोग गोपुरम कहेंगे। वो उनकी मतलब स्पेशलिटी होती थी। द इंटीरियर है, इंटीरियर हैड अ पिलर असेंबली हॉल्स कॉल द मंडपास। हम लोगों ने सोमनाथ और द्वारका में देखा था कि आप मतलब बेसिकली कि यहाँ पे मंडप भी मेन होते हैं। एंड द मेन डाइटी वर कैप्ट द स्पेक्ट्रम सेंट्रम जिसको हम लोग गर्भगृह कहेंगे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट बृहदेश्वर टेम्पल। सो फ्रेंड्स यू कैन सी दिस इज द बृहदेश्वर टेम्पल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द बृहदेश्वर ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल कॉल द बिग टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सो ये किसका टेम्पल है, भगवान शंकर का, और इन्हें राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। बहुत बड़ा टेम्पल है एक्चुअली। इट वॉज बिल्ट बाई द ग्रेट की चोला किंग इन तंजोर। ब्यूटिफुल चोलास फ्रेंसो पेंटिंग एंड एडोर्न ऑफ द इनर वॉल ऑफ द टेम्पल। आपको इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी और बहुत सारे इन लोगों ने पेंटिंग्स भी अंदर की हुई है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल इन द साउथ इंडिया एंड द बृहदेश्वर टेम्पल इन इज द चोलास डायनेस्ट फाइनेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। वॉट मेक द कंस्ट्रक्शन सो यूनिक इज द वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल हैविंग द टोल गोपुरम एंड हैड द स्मॉल विमानास। ओके, सो इसका जो गोपुरम था मतलब ऐसा है कि मंदिर के दर्शन तो हम लोग बाद में देखे, लेकिन गोपुरम का जब एंट्रेंस देखते थे ना वही देख के मतलब दिल खुश हो जाता था, अगेन आंखें एकदम से चमक जाना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी आर्किटेक्चर इन द मुगल पीरियड। अब हम लोग मुगल पीरियड में आ जाते हैं, अभी तक तो हम लोग सल्तनत एज में घूम रहे थे, नाउ 1526 में आसपास आ जाते हैं। अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ द आर्किटेक्चर स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुगल एरा, द मॉन्यूमेंट वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लेट। ठीक है, तो मुगल्स के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लड व्लड आने का चांसेस होता है। मार्बल वॉज मोस्टली यूज इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फ्लोइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन एंड एक्सटेंसिवली यूज। इनके सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन थे इसमें आपको यूजुअली मार्बल का ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। इनके मॉन्यूमेंट्स के अंदर आप लोग फुहारे यानी फाउंटेन्स तो देखोगे ही देखोगे, एक लेक भी होगा। एंड बिसाइड मार्बल कलर्ड एंड प्रीसेस सेमी प्रीसेस स्टोन्स वेर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग। बहुत ही कीमती पत्थरों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फतेहपुर सिकरी। ओके, सो फ्रेंड्स लेट अस नो व्हाट इज फतेहपुर सिकरी। सी आफ्टर हिज मिलिट्री विक्टोरियस ओवर द चित्तौड़ एंड रणथंबोर अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू न्यू लोकेशन ऑन द सिकरी रिज। द ओनर ऑफ द संत सूफी संत सलीम चिश्ती ही हैड कॉमर्स दैन कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड ऑफ अ प्लांट वॉल्ड सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड अ सीरीज ऑफ अ रॉयल पैलेसेस कोर्ट अ मॉस्क प्राइवेट क्वार्टर्स एंड अदर यूटिलिटी बिल्डिंग ही नेम द सिटी फतेहपुर विद द फतेह मीनिंग विक्ट्रीज विक्टोरियस। इट वॉज लेटर कॉल्ड द फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो देखो अकबर के ज़माने की बात है, अकबर जैसे ही चित्तौड़ और रणथंबोर वाले किंगडम्स को हरा देते हैं तो उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से
सिकरी रिच यानी जो फतेहपुर सिकरी नाम का एक शहर बसा है, ये उनके जो सूफी संत है सलीम चिश्ती उनके मतलब नाम पे। इन्होंने बहुत ही अच्छी से मतलब चारों तरफ वॉल्स बनाई एंड एक सीरीज ऑफ रॉयल पैलेसेस बनाए और बहुत सारी स्मॉल बिग बिल्डिंग्स बनवाई एंड इन्होंने इस शहर का नाम लिखा रखा फतेहपुर। फतेह मीन्स विक्ट्री, ओके। एंड ये मुगल के टाइम का बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द बुलंद दरवाजा, और ये कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा मीन्स दरवाजा मीन्स हम लोग जानते हैं हमारे घर के डोर्स होते हैं, ओके। बुलंद दरवाजा ऑफ द और द लॉफ्टीस्ट गेट वे वॉज द बिल्ट बाई द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर एट द फतेहपुर सिकरी। अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाजा एज अ विक्ट्री आर्क टू कमर्समेंट ही सक्सेसफुल गुजरात कैंपेन। तो जब उन्होंने गुजरात का कैंपेन सक्सेसफुली लॉन्च किया, उन्होंने गुजरात को जब जीत लिया, तब उन्होंने उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए फतेह बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा बनवाया। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत दिनों बाद मुझे छींक आई है, मतलब मींस मज़ा आ गया। एनी हाउ द बुलंद दरवाजा वॉज सेट अप इन टू द साउथ वॉल एंड कॉन्ग्रेगेशन मॉस्क द जमा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी। द दरवाजा राइजेस एट अ 55 मीटर एंड इज टॉप्ड बाय द पिलर एंड द छत्रीस, ओके। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस्लामिक स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सिकरी एंड द इकोस ऑफ द अर्ली मुगल डिजाइन विथ सिंपल ऑर्नामेंटेशन। द कार्ड वर्सेज ऑफ द कुरान एंड सोरिंग आर्क। पंच महल इज अनदर नोटेबल फाइव स्टोरेड बिल्डिंग इन फतेहपुर सिकरी विद एन एक्सीलेंट आर्किटेक्चर डिजाइन। तो देखो फ्रेंड्स, बुलंद दरवाज़ा जो है वो मतलब आपको फतेहपुर सिकरी के साउथ यानी दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई थी। दरवाज़ा जो है वो 55 मीटर ऊपर है और उसको छतरी टाइप का भी उसमें स्ट्रक्चर रखा गया है एंड ये दर्शाता है कि मुगल्स की शानो शौकत क्या थी, मुगल्स कैसे रहते थे। इसके अलावा पंचमहल जो है इवन अपने ये देखा था कि इसमें कुरानों के वर्सेस तो लिखे ही गए हैं। वेल पंचमहल इनका एक और फाइव स्टोरेड बिल्डिंग है जो मतलब बहुत ही एक फोकस वाली चीज़ है जहाँ पे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं, ओके। सो सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ओ भाई रेड पोर्ट रह गया नीचे, ओके डन। यू कैन सी रेड पोर्ट। सी फ्रेंड्स, रेड पोर्ट की सबसे खास बात क्या है, हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, राइट नाउ इज नरेंद्र मोदी, तो वो 15 अगस्त के दिन यहाँ पर ये जो आप नेशनल फ्लैग देख रहे हो वहाँ पे वो लहराते हैं और हमारे देश को एक स्पीच देते हैं कि भाई हमने पिछले साल में क्या अचीव किया, हमारी प्रेजेंट सिनारियो क्या है, हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी ने यहाँ से रेड पोर्ट से लॉन्च किया था। एंड आपने कभी अपना 500 का करेंसी नोट देखा है, ओके। राइट नाउ मे बी आई मस्ट हैव और नॉट, आई थिंक आई शुड हैव। एज यू कैन सी आई हैव अ 500 रुपीज़ करेंसी नोट। मैं अपनी इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको ईजिली, जस्ट अ मिनट, हाँ। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट्स अ 500 रुपीज़ नोट एंड इसे आप जो देख रहे हो दिस इज द रेड पोर्ट, ओके। सो ये रेड पोर्ट कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ थिंग जो हमारे 500 के नोट पर भी आती है, ओके। आई थिंक मेरी इमेज के लिए इतना बहुत है। सो 500 के नोट पर भी आप लोग ये रेड पोर्ट के निशाने देख सकते हो। द रेड पोर्ट वॉज बिल्ट एज अ फोर्टिफाइड फैमिली पैलेस ऑफ शाहजहानाबाद, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जो राजा थे मुगल के, उन्होंने इसको बनवाया था एंड इसने उन्होंने पूरी बिल्डिंग को वॉल किया था और उसको शाहजहानाबाद नाम दिया था, ओके। एंड रेड पोर्ट बिल्डिंग जो है वो हमारी न्यू दिल्ली कैपिटल में है। रेड पोर्ट इज कंसिडर रिप्रेजेंट द जेनिट द मुगल क्रिएटिविटी अंडर द शाहजहाँ एंड कंसिडर द अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज द दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग, रंग महल, ओके। सो इस बिल्डिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ मिलेगी, दीवाने आम फॉर नॉर्मल पब्लिक, दीवाने खास फॉर वीआईपी पब्लिक,
मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग, मेनी सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इनसाइड दिस वॉल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पर विजिट किया था इट वॉज इवनिंग टाइम, समवेयर 8-9 का टाइम था, बट हमको अंदर जाना अलाउड नहीं था. तो अब जब नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आई मस्ट श्योर कि मैं दिन में जाऊँ. ओके, नाउ अब हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं डेट इज़ द ताजमहल. ओके एंड फ्रेंड्स, अभी जस्ट नाउ बिफोर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर मैंने इस चैप्टर का PDF भी रेडी कर दिया है. एंड PDF में जब मैं ताजमहल का पिक्चर ढूंढ रहा था ना, तो मैंने मुझे लगा कि ये डे टाइम का तो आप लोगों ने वीडियो मतलब फोटोग्राफ तो देख ही लिया है, आपने कभी देखा नाइट टाइम पे ताजमहल कैसा दिखता है. सो मैंने अब जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद, उसमें मैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा. जब ताजमहल का एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो मैंने फोटोग्राफ रखा है वो नाइट वाला ताजमहल रखा हुआ है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ताजमहल. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द ताजमहल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन. वेन एवर यू वॉन्ट यू हैव अ प्लान टू विजिट ताजमहल, सो दिल्ली से कुछ 200 किलोमीटर पड़ता है. ड्यू टू द कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप ट्रेन से एंड बसेस से कैसे भी जा सकते हो. वेल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस, जब भी ताजमहल जाओ सो आई थिंक 200 से 250 या 300 तक की टिकट होती है. सो वो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, वरना फिर वहाँ पे जाओगे और 2 घंटे लाइन में खड़े रहोगे तो सारे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी. सो आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग पहले ही जाओ और ऑनलाइन टिकट बुक कर लो. ठीक है, सो आपको वहाँ पे लाइन में ना लगना पड़े. वेल ताजमहल जो है वो 7 वंडर में सबसे नंबर 1 है. आई स्टिल यूज टू रिमेंबर इट वॉज ईयर समवेयर 2007 में भी, आई एम नॉट श्योर, मे बी थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है. दुनिया के नए 7 वंडर्स चुने जा रहे थे एंड यू नो वॉट, उसमें इंडिया का, उसमें इंडिया की तरफ से ताजमहल था एंड ताजमहल 10 नंबर पे था. सो इट इज़ अ शॉकिंग फैक्ट फॉर इंडिया कि भाई अब 7 वंडर्स में ताजमहल नहीं रहेगा. सो एक कैंपेन लॉन्च किया गया, पता नहीं किसने लॉन्च किया था, कि हम अपने ताजमहल को वापस 7 वंडर्स में ला के रहेंगे. एंड उसके लिए ताजमहल को वोट करने के लिए आप ये SMS करो, ऑनलाइन में जाके यहाँ पे आप वोट करो. मैंने फ़ोन से भी SMS किया, मैंने ऑनलाइन वोट भी किया एंड यू नो वॉट, सीधा 10 से नंबर 1 ताजमहल बन गया. एक तो है क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो चलो सही है, गलत नहीं है. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. द ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मोसिमलियम लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया. सो ये इंडिया में उत्तर प्रदेश नाम के स्टेट के आगरा डिस्ट्रिक्ट में है. इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज महल. ओके, थर्ड वाइफ की याद में उन्होंने ये महल बनवाया. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड वाइफ बुरा ना माने तो. ताजमहल इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. सो इसे सबसे बेस्ट बिल्डिंग माना गया है और ये 7 वंडर्स में तो आता ही है. ऑलरेडी टोल्ड यू द ताजमहल इज वाइडली रिकग्नाइज द ज्वेल ऑफ द मुस्लिम आर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर मास्टर पीस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. ओके, सो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बेस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल इसे माना जाता है एंड ये दुनिया के लिए एक मिसाल है. ओके, यू नो वॉट, एक मैंने इंसिडेंट सुनी है, मे बी राइट है कि रॉन्ग है मुझे नहीं पता. वेन द वर्ल्ड वॉर टू इज गोइंग ऑन, तो वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लैंड का उस टाइम पे इंडिया पे रूल था, इंग्लैंड के लोगों को डर लग रहा था कि यार ये जापान की आर्मी वाले या जर्मनी के आर्मी वाले एरोप्लेन भेज के कहीं ताजमहल को डिस्ट्रॉय ना कर दें. क्योंकि भाई अब इंडियन गवर्नमेंट को इससे मतलब, अब मान लो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, से फॉर एग्जाम्पल ताजमहल में आज 10,000 लोगों ने विजिट किया. कितने लोगों ने? 10,000 लोगों ने. तो 10,000 के पीछे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 हो जाएगा और पीछे 2 0 लगा दो, इतना सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है. तो ऐसे कोई रेवेन्यू थोड़ी ध्यान देगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू होता था ना, तो उन्होंने इसको पूरा मतलब ढक दिया था, ऐसा मतलब एक रेप्लिका बना दिया था कि यहाँ पे कुछ कोई चीज़ है ही नहीं. ओके, चलो अब हम बात करेंगे आगे. मैसन, स्टोन कटर, इनलेयर, कार्वर्स, पेंटर, कैलीग्राफर्स, डोम बिल्डर्स एंड
other artisans are requested from the whole two empire to work on the structure. The white marble has been polished and emphasized exquisite detailing of the carving on the archway inlaid and semi-precious stone. शाहजहाँ के पास तो पैसे की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उसने अच्छे जो कारीगर थे, जो पत्थरों को काटने वाले थे, इवन जो पत्थर के अंदर अलग अलग जेम्स को फिट करते हैं, अच्छे पेंटरों को जो टोम बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब जितने भी एक्सपर्ट लोग थे ना उन सब पे मतलब उन्होंने किया। इवन वाइट मार्बल्स को बहुत सोच समझ के चुन चुन के अच्छे से पॉलिश करने के बाद ही इसमें लगवाया गया। एंड बहुत सारा महंगे महंगे यहाँ पे स्टोन्स भी यहाँ पर लगाए गए थे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आई थिंक हमारा यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं डेट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आर्किटेक्चर वॉज एनेबल द पावर, एम्बल द पावर। आर्किटेक्चर बिल्डिंग क्या शो करती है कि उस टाइम पे कितना पावरफुल वहाँ का मतलब रहा होगा। न्यूमरस आउटसाइडर इन्वेडेड इंडिया एंड क्रिएटेड आर्किटेक्चर स्टाइल रिफ्लेक्टिव देयर एंसेस्टर एंड अडॉप्टेड द होम्स। इंडिया पे बहुत बार अटैक हुआ, बाहरी लोगों ने इंडिया पे बार बार अटैक किया, और जब भी उन्होंने अटैक किया उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो मतलब उनके ज़माने की हमको याद दिलाती हैं। एज ए रिजल्ट मैनी आर्टिस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल। इससे बेनिफिट किसको हुआ? आर्टिसंस को हुआ, क्योंकि उनको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल रहा है। हैंस नॉट ओनली वॉज देयर नीड फॉर द नेम एंड फेम मेट बट दे ऑल्सो अर्न द सम हैंडसम लाइवलीहुड। तो ऐसे मतलब लोगों को मतलब राजा खुश होते थे तो उनको मतलब अच्छा रहने का अच्छे पैसे भी देते थे। द पीपल टू वॉट एवर द एरा बेनिफिटेड सच ए स्प्लेंडर स्ट्रक्चर्स, है ना। और जो जो लोग बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट थे उनका तो मतलब इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हो गई होगी। ठीक है, दस वी शुड बी ग्रेटफुल टू रूलर्स एंड एम्परर हु इन देयर रिक्वेस्ट एंड कॉन्चिंग द थर्स्ट टूवर्ड द क्रिएटिव एक्सीलेंस मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड द सब्जेक्ट जनरेटेड सोर्सेज ऑफ इनकम एंड बेनिफिटेड द सोसाइटी इनडायरेक्टली। हमको उन राजाओं को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उनके ही टाइम पे इन सभी जो आर्टिसन थे उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिला, उनको इनकम भी मिली और सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ग्रो किया। नाउ थिंक टुडे देर आर रोड्स रीच टू बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री एक्सेट्रा। हाउ डिड द पीपल ऑफ ओल्ड टाइम गो इन सच प्लेस। आजकल हम लोग बहुत सारे धार्मिक जगहों पे घूमते हैं जैसे कि केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जो भी है। यहाँ पे जाने के लिए अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, रोड्स अच्छे हो गए, आप लोग इजीली इन जगहों पे जा सकते हो। बट आज से हजारों मतलब 100 साल पहले कैसे होता होगा, लोगों को बाई फुट ट्रैवल करके जाना पड़ता था। ओके, पैदल यात्रा करना पड़ता था। सो विद दिस नोट आई एम फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक को लेके आप यूट्यूब पे अपना सर्च कर सकते हो। एंड सोमनाथ को तो मैंने डाल ही दिया है, बहुत जल्द में द्वारका रेड पोर्ट इन सब चीज़ों का भी मैं अलग से एक बनाएंगे, कभी एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड वी विल मीट सून।